आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से निकली हुई वैकेंसी। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छे बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, अलाउंसेस मिलेगा। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आप 10+2 बैचलर्स मास्टर्स इन सब के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। इवन आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं आप एलिजिबल हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाइड नहीं आप एलिजिबल हो, तो सोचो कितनी अच्छी बात है आपके लिए। इवन सैलरी स्केल भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। कौन कौन सी पोस्ट हुई है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल मैंने वीडियो में कवर कर दिया, तो बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है, तो फोर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 31 मार्च। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, देखते हैं, मैंने आपके लिए एडवर्टाइजमेंट ओपन ही कर रखी है। तो टोटल डिफरेंट आपको 15 टाइप की पोस्ट देखने को मिलेगी। सिल्वर स्किल काफ़ी अच्छा है और एक पोस्ट के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी है। तो पहले मैं आपका सस्पेंस ही खत्म कर देती हूँ, कौन कौन से टाइप की पोस्ट रिलीज करेगी, फिर आगे क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया पर मूव ऑन करेंगे। एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन में मैं आपको बताऊँ तो मास्टर्स बैचलर्स 10+2 के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया आपका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। एंड अब चलते हैं अपनी मेन पे। तो आपको फोर्थ से रखा है साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बी की पोस्ट है। यहाँ पे आप सिर्फ मास्टर्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्लियरेंस की भी नीड नहीं है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट लगी मुझे इस लेवल में। एंड यहाँ पे आपका पे लेवल रहेगा 10 का। सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा है आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर के अप्रॉक्सीमेटली आपका सैलरी स्केल है। एंड साइंटिस्ट बी में ही सिर्फ आपकी 62 पोस्ट रिलीज करी गई है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे मैंने कहा था काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट है आपके असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की 6 पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 1, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में 16 वैकेंसी है, टेक्निकल सुपरवाइजर में 1, असिस्टेंट में 3, अकाउंट्स असिस्टेंट में 2, जूनियर टेक्नीशियन में 3, सीनियर लेबॉरेटरी असिस्टेंट में 15, अपर डिवीजन क्लर्क में 16, डाटा एंट्री ऑपरेटर में 3, जूनियर लेबॉरेटरी असिस्टेंट में 15, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसका पे लेवल भी काफ़ी सही है, लेवल 2 का है, 5, फील्ड अटेंडेंट में 8 एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ में 7। एंड यहाँ पे आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ना हर अपनी पोस्ट में से कुछ ना कुछ वैकेंसी रिजर्व कर रखी है, तो वो डिटेल मेंशन कर रखी है। रिलैक्सेशन मिल जाएगी 8 एज में आपको। उसके अलावा मेन आपका आता है क्वालिफिकेशन, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो देखते हैं कि क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में क्या क्या मेंशन कर रखा है। तो साइंटिस्ट बी की पोस्ट में आप बैचलर्स डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री में, किसी भी ब्रांच हो आपके पास केमिस्ट्री में, एंड आपके पास एनवायरमेंटल साइंस में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन करके आप प्रेफरेंस मिलेगी जिनका नेट क्वालिफाइड है या पीएचडी है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये आपकी। नेक्स्ट आती है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर में बैचलर्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में बैचलर्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस का तो रिक्वायरमेंट ही नहीं करी गई है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में मास्टर्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, टेक्निकल सुपरवाइजर में डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग की, इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है आपकी। असिस्टेंट की पोस्ट है तो बैचलर्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, अकाउंट असिस्टेंट में भी बैचलर्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। ऐसे सिमिलरली हर पोस्ट के लिए आपको अपनी क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ पोस्ट है जहाँ पे आप 10th के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, लाइक फील्ड असिस्टेंट की, एंड 12th के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी आपकी 2-3 वैकेंसी है, लाइक लोअर डिवीजन क्लर्क होगी, जूनियर लेबॉरेटरी असिस्टेंट होगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर होगी, ठीक है, इनके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा ना, एग्ज़ाम का आर कितने का होगा उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज करी गई है, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी अप्लाई करना चाहिए आपको अगर आपके सब्जेक्ट्स कवर हुए, सब्जेक्ट्स तो क्या, अगर आप किसी भी आपके पास डिग्री है लाइक किसी भी सब्जेक्ट में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अच्छी है पोस्ट, अप्लाई करिएगा। एंड कोई भी ट्रायल्स यूनिवर्सिटी ने आपसे नहीं देगी फॉर अटेंडिंग दी रिटन टेस्ट या इवन इंटरव्यू के लिए भी। इतना डिटेल मेंशन कर रखी थी, काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट लगी मुझे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखी है, ये सबसे अच्छा बेनिफिट लगा मुझे। तो जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप रीड कर सकते हो। रिक्रूटमेंट रिलीज़ कहाँ से करी गई है मैं आपको वो बता देती हूँ। तो रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, चेकआउट करिएगा एंड अप्लाई करने का प्रॉपर ट्राई करिएगा, ठीक है। प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आगे देखने को मिलेगी, तो आप चाहते हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।